सो फाइनली दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। आप लोग यहां से देख सकते हो दोस्तों, ये वीडियो आपको एक दिन पहले ही मिल जाती है, लेकिन वो वीडियो आपको नहीं मिल पाई क्योंकि वो वीडियो मैं दोस्तों शूट कर रहा था, तो वो वीडियो दोस्तों मेरा SD कार्ड फुल हो गया। उसके बाद में जब मैं उसको सोचा कि डिलीट कर दूँ तो वो भी वीडियो साथ में डिलीट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की रिकवर करने का, लेकिन वो रिकवर किसी भी तरीके से नहीं हो रहा था वीडियो। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पे मतलब यूट्यूब में आज बना रहा हूँ, लेकिन कल कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करवाने के लिए, या फिर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते या आप लोग इतना मेरा साथ नहीं देते तो ये 4000 घंटे का वॉच टाइम या 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि जब कोई टारगेट हम अपने जीवन में करते हैं या अपने लाइफ में कोई टारगेट कर लेते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो यही वो वही इंसान समझ सकता है जो अपने लाइफ में किसी टारगेट को अचीव किया हो। तो दोस्तों ये 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में 1 साल से भी ज़्यादा मुझे लग गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा क्या क्या मुझे करना पड़ा, कैसे मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 1000 सब्सक्राइबर मैंने कैसे कंप्लीट किया, क्या मैंने इसमें स्टेप लिया, क्या फिर मैंने इसमें अदर क्या क्या काम किया हूँ, सब कुछ आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा किस तरीके से आप लोग भी अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कैसे पूरा कर सकते हो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो दोस्तों जो शाम को मैं वीडियो बना रहा था वो ट्यूटोरियल ही बना रहा था किस तरीके से अपने चैनल को रिव्यू में भेजा जाता, तो मैं अपने चैनल को शाम को ही भेज दिया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया। तो मैं अपने चैनल को रिव्यू में भेज दिया हूँ, एडसेंस में कुछ इशू आया था, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या मेरे चैनल पर आया था रिव्यू करने में, लेकिन अभी तक वो फिर से मैंने उसको फिक्स कर दिया है। इन प्रोसेस में अभी वो दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ वीडियो में, तो वहाँ इन प्रोसेस दिखा रहा है। मतलब एडसेंस मेरा पहले से एक एडसेंस बना हुआ था, तो उसमें मेरा मुझे ये पता नहीं था, मैंने सोचा वो अकाउंट बंद हो गया होगा, लेकिन वो अकाउंट बंद नहीं हुआ था, तो मुझे वो अकाउंट ओपन करके फिर से करना पड़ा। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या किस किस तरीके से आपको करना है, क्या करना होगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपने चैनल को रिव्यू में भेज दिया है, अब इसमें देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि हमारे चैनल जो मेरा चैनल है या अब हमारा चैनल है वो अब मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों को शुक्रिया बोलना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।